एनएसयूआई हमीरपुर ने हमीरपुर महाविद्यालय में खराब पड़े वाटर कूलर को ठीक करने तथा उनमें जमी गंदगी को साफ करने के लिए हमीरपुर कॉलेज की प्राचार्य का घेराव किया। हमीरपुर कॉलेज में स्थापित वाटर कूलरों के ना तो ढक्कन बंद होते हैं और ना ही समय पर इनकी सफाई होती है, जिससे किसी भी समय भयंकर बीमारी के फैलने की संभावना लगातार बनी रहती है। जिला अध्यक्ष टोनी ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में पहले ही कोरोना वायरस का खतरा मंडराया हुआ है, ऊपर से कॉलेज प्रशासन द्वारा इस तरह की लापरवाही किसी बड़ी बीमारी को आमंत्रित करते हुए नजर आ रही है। एनएसयूआई हमीरपुर ने महाविद्यालय में खराब पड़े वाटर कूलर को ठीक करने तथा उनमें जमी गंदगी को साफ करने के लिए हमीरपुर कॉलेज की प्राचार्य का घेराव किया। गौरतलब है कि हमीरपुर कॉलेज में स्थापित वाटर कूलरों के ना तो ढक्कन बंद होते हैं और ना ही समय पर इनकी सफाई होती है, जिससे किसी भयंकर बीमारी के फैलने की संभावना लगातार बनी रहती है। जिला अध्यक्ष टोनी ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में पहले ही कोरोना वायरस का खतरा मंडराया हुआ है, ऊपर से कॉलेज प्रशासन द्वारा इस तरह की लापरवाही किसी बड़ी बीमारी को आमंत्रित करते हुए नजर आ रही है। एनसीआर में कितने पहले भी कई बार प्रशासन को इस बारे में ध्यान देने के लिए कहा गया था, लेकिन कुछ समय के बाद प्रशासन भी प्रणाली बना लेता है। टोनी ठाकुर ने बताया कि हद तो तब हो गई जब प्रशासन वाटर कूलर के ढक्कन तक ठीक नहीं करवाए गए थे और ऊपर से मिट्टी की मोटी परत कूलर में जमा हुई थी। एनएसयूआई ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि यदि प्रशासन इस पर जल्द कोई कार्यवाही नहीं करता है तो एनएसयूआई प्रिंसिपल का घेराव करेगी तथा एनएसयूआई के साथ ही स्वयं पानी की टंकियों की सफाई करेंगे। इस मौके पर 20 के करीब एनएसयूआई के छात्र साथी मौजूद रहे। आज जो हमने ज्ञापन माननीय प्रिंसिपल महोदय जी को दिया है वो पीने के पानी की समस्या के लिए, आप लोग देखेंगे कि हमीरपुर जो महाविद्यालय में कूलर स्थापित किए गए हैं, 5 कूलर हैं, 2 कूलर यहाँ फ्रंट के जो जहाँ से ये इग्नू वाले बच्चे पेपर देते हैं वहाँ के पास ऊपर जैसे यहाँ पे कूलर स्थापित किए गए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उनके ढक्कन जो हैं वो खुले हुए थे बिल्कुल ख़राब और वहाँ पे जो कूलरों में थी 2-2 इंच मोटी परत जो थी वो मिट्टी की जमी हुई थी। तो हमने आज कॉलेज प्रशासन को इसके लिए ज्ञापन सौंपा और आपको ज्ञात है कि देश में प्रदेश में जिस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है, देश के अंदर 30 के करीब कोरोना वायरस और इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बच्चों को ख़राब पानी जो है वो बच्चे पिएंगे तो कहीं और अन्य तरह की बीमारियां भी फैल सकती हैं। तो हमारा प्रशासन से अनुरोध है कृपया बच्चों की सेहत का ध्यान रखें और हमने प्रशासन से मांग की कि इसे जल्द से जल्द साफ़ करवाया जाए और प्रशासन ने हमारी बात को वो माना भी है और हमारे सामने ही फ़ोन भी करके साफ़ करने के निर्देश दिए हैं, जिसके लिए हम प्रशासन का धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की कोई गलती और इस तरह की लापरवाही प्रशासन नहीं बरते, नहीं तो हम लोग जो हैं वो उनका घेराव करेंगे अगर भविष्य में इस तरह की लापरवाही सामने आती है। धन्यवाद। जय हिंद। तिरंगा सलाम।